मंगो दुआ के शाला इंजदा नसीब होवे, मंगो दुआ के शाला इंजदा नसीब होवे। जद आवे मौत मैनू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों नाजरीन, तुहाडे सामने एक वीडियो लैके हाजिर हां जिहड़ी कि तुसीं देख रहे हो। यह की चीज़ है? यह गोली है, यह पारे की गोली है। और पारा वो चीज़ है कि जरा वैसे तो मशहूर मरूफ है कि पारा एक लिक्विड किस्म की धात हैगी है, यानी कि वह पारे नू मुख्तलिफ नामों के मुख्तलिफ नाम दिता जाता है, मुख्तलिफ नाम तो उन्होंने पकारिया जाता है। मुख्तलिफ नाम जड़े ने वो आते होंगे ने कि इसनों मुख्तलिफ नामों तो ही पकारिया जाता है। यानी कि वो जो पारा होंगे वो उनकी वीडियो अलहदा भी एक उत्ते सारी दिती गई है। तो ये बड़ी अच्छी एक मादनी चीज़ है। और ये पारे की गोली बनानी जी ना वो वाकई ही बहुत मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। और मैं काफ़ी ज़्यादा इसका नुकसान किया है, काफ़ी ज़्यादा दफ़ा बना के काफ़ी दफ़ा मटीरियल जाया किया है। इस वजह तो मैं पहले बनाने की जी वीडियो अपलोड नहीं कर सकिया, इस वजह तो कि बनानी बहुत मुश्किल सी। तो यह तुम देखा असं गोली बनाने कामयाब हो गए हैं, गोली असं बना ली है। कहते हैं कि गोली बना के इस तरह धागे च लटकई नहीं जाती, ज़्यादातर दोस्तों को यह चीज़ सुनी है तो कि ये बनाई नहीं जाती। देखो मैं पहली दफ़ा बनाई है, उन धागा पाना मैं याद नहीं रहा है, तो वो बस उस ही फिर वो हार्ड हो गई है। ये बहुत देखो काफ़ी जी ना वो सख्त हो गई है। तो ए फिर मैं इनू धागा ए रख लिया, जो इन बनाई सी तो वह धागा ए पै गया, परुट गया सही। और इस जनाब तुम गोली बना बन गोली तो बन गई है। और इसका इस्तेमाल ये वे कि जी गोली है कम अज़ कम अद्धा किलो दुध लिया जाए। अगर दुध गाय का हो जाए तो बहुत ही अच्छा होंगे है, अगर गाय का नहीं मिले तो फिर दूसरा दुद्ध भैंस का ही चल जाता है, मझ वगैरह का ही। कम अज़ कम अद्धा किलो दुध हो, चुल्हे रख के देजगी चबा के चुल्हे रखो, तो उस तो बाद जनाब उन्होंने अच्छी तरह उबायल करो। जब जदों वो अच्छी तरह उबायल हो जाए तो वो चूल्हा बंद करने तो पहले ही कम अज़ कम कोई 5 मिनट पहले गोली जी इनू अंदर डोल जंत्र कर दो, यानी कि इनू इस तरह धागा बनने का मकसद यही ही होंगे कि इस दे अंदर रख दो और इस इस तरह हिलाते रहो अच्छी तरह कम अज़ कम 5 मिनट तक इसनों उसके अंदर हिलाते रहो अच्छी तरह, क्योंकि उसके अंदर कोशिश करो कि इस तरह खड़ी नहीं करनी, क्योंकि धागा बनने का मकसद यही है कि उन्हें हिलती रहेगी तो सही रहेगी। हो सकता नीचे लगन के नाल वो बर्तन भी खराब करेगी तो गोली भी खराब होएगी, वो उनका नीचे लगना मुनासिब नहीं है। 5 मिनट तो बाद जो तुम चूल्हा बंद करोगे 2 मिनट जड़ी ना गोली उसके अंदर रखी रहन दो, उस तो बाद गोली बाहर कढ़ लो, गोली नू साफ करके धो के अलहदा सेफ कर लो। और दुध जड़ा उसनू अपनी रूटीन के मुताबिक कोशिश करो कि रात के खाने तो बाद ही इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वो इस तरीके इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तो बाद जनाब जेडे उसके फायदे ने इंदे जनाब ये तो इंदे फायदे जड़े ने वो बहुत ही ज़बरदस्त ने, बड़े अच्छे ने, बहुत ही आला किस्म के फायदे ने। यानी कि वो दूध नूं तुसीं पीन तो बाद महसूस करोगे इंशाल्लाह कि वो जिस्म नूं बेहतरीन ताकत देंदे ने, असाबी पठियां वास्ते बड़ी बेहतरीन ठीक है और अंदरूनी पठियां वास्ते भी बेहतर है।
और इस दे बारे में होर भी पढ़िया सी कि वो तकरीबन हर मर्ज़ नूं बेहतरीन फायदा दिंदा, यानी कि नज़ले किरे वास्ते भी बेहतर चीज़ है और अमसाक बेहतरीन है क्योंकि ज़्यादातर बनाई जाती है अमसाक वास्ते कि टाइमिंग नूं बेहतर बनाने वास्ते, टाइमिंग नूं ठीक करने वास्ते, टाइमिंग नूं वधाने वास्ते, यानी कि यह वाकई बनाती भी है लेकिन यह भी कि हर बंदे की तबीयत एक जैसी नहीं होंगी। ये वाकई जिंदा करिश्मा भी है कि टाइमिंग नूं बेहतर करती है, यानी कि मरदाना ताकत नूं बेहतरीन ताकत दिंदी है। ये पारे की गोली इंदे बड़े बेहतरीन ये फायदे ने, लेकिन इंदी बनाने का वाकई ये बहुत मुश्किल हैगी, काफ़ी मुश्किल है बनानी। तो असी कोशिश करांगा मैं कि इस तो अगे आने वाली वीडियो दे विच तुहानूं मैं इंदा बनाने का तरीका और फार्मूला सारा दसांगा। हाँ जी, क्योंकि मैं पहले इस वजह तो वीडियो नहीं होंगी अपलोड की बनाई, इस वजह तो कि हो सकता है कि फार्मूला नहीं ना सही बने, इस वजह तो कि फिर किसी को परेशानी जी ना वो मुश्किल पेश आए। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये तुहानूं वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्हें लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करना बिल्कुल ना भुल्यो। तो अगली वीडियो नाल फिर मिलेंगे, इजाजत अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमत। दर्दा 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 ने पा